नमस्कार, प्रवाह साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में 23 जुलाई को साल 2024-25 का बजट पेश करेंगी। माना जा रहा है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के इस बजट में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ होगा, इसलिए इसको लेकर लोगों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्रीय बजट में मुद्रास्फीति पर काबू पाने और आर्थिक वृद्धि को गति देने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। साथ ही बजट में सरकारी खर्च को कम करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे केंद्र की बाजार उधारी कम हो जाएगी। वहीं देश में सबसे ज़्यादा रोजगार के अवसर मुहैया कराने वाले एमएसएमई क्षेत्र को उम्मीद है कि सरकार एमएसएमई के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करने और उनके विकास को बढ़ावा देने के अपने एजेंडा को जारी रखेगी। आइए देखते हैं बजट को लेकर किसान, आम आदमी, आभूषण कारोबारी, हेल्थ सेक्टर के लोग और अन्य क्षेत्रों के लोग क्या उम्मीदें रख रहे हैं। अभी पिछले 6 महीने से देखा जाए तो गोल्ड में 15-20% तक रेट इंक्रीज हो गए है। आज का आप देखिए तो प्योर गोल्ड का भाव 77,000 के करीब पहुंच गया है और वैसे भी मार्केट में बहुत मंदी चल रही है पिछले 6 महीने से आप देखें तो, क्योंकि इतना रेट बढ़ जाने से कस्टमर को काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो अभी हमारी पूरी ज्वेल इंडस्ट्री की यही पिछले 3 साल से भी उम्मीद रही है कि इम्पोर्ट ड्यूटी में कुछ ना कुछ कटौती हो तो वो डायरेक्ट कस्टमर को ही फायदा मिलेगा और थोड़ी मार्केट में मूवमेंट भी देखने को मिलेगी। आज देखा जाए तो 15% तक की इम्पोर्ट ड्यूटी लग जाती है तो ऐसे भी इंटरनेशनल मार्केट से वैसे भी 15% हमारा दाम बढ़ जाता है और इंटरनेशनल मार्केट में भी गोल्ड आज समझो 2470-80 डॉलर तक पहुंच गया, मतलब ऑल टाइम हाई है। तो थोड़ा सा भी ड्यूटी में कटौती करेंगे तो पब्लिक के लिए बहुत अच्छा होगा। जीएसटी भी 3% है, वो भी हमारी डिमांड है कि उसमें भी थोड़ी कटौती हो तो वो भी डायरेक्ट कस्टमर को बेनिफिट हो सकता है। और एक्सपोर्ट में भी देखा जाए तो उसमें भी टैक्सेस ज्यादा है, अगर इसमें भी जो थोड़ा रिड्यूस हो जाए तो इधर से इंडिया से पूरा विश्व का, मतलब आप मार्केट देखेंगे ना तो इंडियन ज्वेलरी की डिमांड पूरे विश्व में है, अगर उसमें भी थोड़ा जो कम होगा तो यहाँ पे भी कारीगरों को भी ज्यादा काम मिल सकता है, एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है। यस, द इंडस्ट्री, द गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द इम्पोर्ट ड्यूटीज एंड द टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट एंड current expectation from the government and the union budget is that it should be reduced, the import duty should be reduced and the taxes on export should also be reduced, which could lead to a good wedding and festival season which is already upcoming, and it would also generate a good amount of income in the country as well. So that's the main benefit and that is the major expectation from the government and this union budget. उम्मीदें यही हैं जी, हम सेंट्रल सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जिमीदार के बारे में सोचो, जिमीदार मरिया पड़ा जी, इस टाइम हाल ताके देखो खेतों के अंदर क्या है जिमीदार की। बीज पे सब्सिडी मिलनी चाहिए, तेल पे सब्सिडी मिलनी चाहिए और नहरी पानी होना चाहिए जी परमानेंट। अब तक नहरी पानी नहीं जी आया, जीरी लुवाई का टाइम जा रहा जी अब से पहले, अब तो आप ला लो तो इससे 25 तारीख के बाद जीरी निसरदी होनी है जी, उसके बाद जीरी नहीं लगेगी जी, जितने खेत खाली रह गए खाली हो रह जाएंगे जी। कुछ परमात्मा ने मार रखे जी, कुछ गवर्नमेंट ने मार रखे हैं। गवर्नमेंट से यह उम्मीद करेंगे कि हमारा कर्जा मुक्ति हो, मानो तेल सब्सिडी पर मिला जी, मानो बीज सब्सिडी पर मिला, मानो मशीनरी सब्सिडी पर मिला जी, जैसे सुपर सीडर हो गया जी, जीरी लाने की मशीन ना होगी जी, ये सारी की सारी सब्सिडी पे मिलनी चाहिए जी। केंद्र सरकार से हम यही अपील करते हैं कि जो पानी का स्तर है, जो लेवल है वो बहुत नीचे जा रहा है, उसके लिए केंद्र सरकार को कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए और कुछ जैसे SYL का मुद्दा है नहर का, उस पर कदम उठाना चाहिए। उसका विधानसभा लोकसभा में जो बैठते हैं इनको रखना चाहिए कि इसका कुछ मुद्दा हो जिससे सभी को पानी मिले, जो नहरों में पानी है, जो पानी की बहुत दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, जो किसान है वो बहुत परेशान है, कुछ वर्षा नहीं हो रही है, कुछ वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है ट्यूबवेल का, कुछ लाइट का बहुत जो लेवल लाइट का है ना वो बहुत कम आ रही है, वोल्टेज बहुत डाउन है, जिससे बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है, इससे बहुत परेशान हो रहे हैं किसान, कुछ गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो भी बजट में किसानों के लिए निकालते हैं ना, जैसे सब्सिडी वाला सिस्टम है जो, वो किसान के खाते में सीधा डाले जी, और वो जहां मर्जी से मशीन खरीदे, कुछ भी खरीदे, और इसके ऊपर ट्रैक्टर के ऊपर और मशीनरी के ऊपर टैक्स वगैरह जो GST वगैरह ये काम करना चाहिए जी। पहले ही महंगाई बहुत होगी, 18
16 लाख रुपए का ट्रैक्टर आवा जी, तो ये इनकी कीमतें कम करनी चाहिए। अगर आप मतलब ले लो जैसे हमने ड्राइवरी डालनी है वो भी महंगा, उसके ऊपर भी GST वगैरह कम करना चाहिए। और पानी का देखना चाहिए जी, नहरें हैं, नहरों के ऊपर फंड तो आप कर देते हो, मौके सर होता नहीं जी, वो नहर भी नहीं चलती है जी, फिर मौके सर अब किसान को बहुत भारी दिक्कत हो रही है जी। टायरों के ऊपर भी कम करना चाहिए जी, जो भी इससे संबंधित किसानी से संबंधित हैं सबके ऊपर जी इन्हें GST कम करना चाहिए जी, और फसल का रेट बढ़ाना चाहिए, इसमें प्रोविजन करना चाहिए कोई, और चीज़ों के रेट देखो कहाँ से कहाँ चले गए, और फसल का रेट बहुत कम बढ़ता है जी। जो चीज़ हम 200 रुपये खरीदते थे आज 600 रुपये खरीद रहे, और फसल का रेट अगर 2000 था तो मतलब अब 2300 रुपये हुआ है जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से यही उम्मीद करता हूँ भी जो हमारे जितने भी खेत के अंदर मतलब मशीनरी यूज हुआ, चाहे वो ट्रैक्टर हो, हैरो हो, रूटावाटर हो, सुपर सीटर हो, या समर्सिबल मोटर हो, और भी अन्य बहुत जितने भी उपकरण हो, उनके ऊपर जो इन्होंने GST लगा रखी है उसको कम करे और रेट कम करे। जैसे ट्रैक्टरों के बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए, दुगने रेट हो गए आज से 10 साल के अंदर, और मोटरों के जो रिपेयर का सामान है वो भी दुगना हो गया, तो तांबे की तार है वो भी तिगनी चौगुनी बढ़ गई। मैं यही उम्मीद करूँगा भी जितने भी हमारे जैसे खाद दवाई है ये, इनके पर GST कम करके इनके रेट कम करे, और जो MSP की जो कानून बनाए हैं, गारंटी बन दी है, उसके ऊपर हमारी फसल बिकनी चाहिए, ताकि किसान बार बार रोड पर ना जाए अपनी डिमांड करने के लिए, और किसानों को फायदा हो। उम्मीद तो यही है केंद्र सरकार से भी किसानों को ये जो मशीनरी है अच्छी से अच्छी उपलब्ध कराई जाए, और GST है इसके ऊपर सारी मशीनरी से हटाई जाए, और अच्छे अच्छे बीज तैयार दिए जाए किसानों को, और लेबर की काफ़ी दिक्कत रहती है, हैं उसके अंदर भी अच्छी मशीनरी कम रेट पर दी जाए, और ये जैसे बीमा योजना चलाई थी सरकार ने, हैं इसको दोबारा लागू करें, जो पिछले साल ये बंद कर दी थी। मैं चाहूँगा कि थोड़ी इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाएं, भाई छोटे व्यापारियों को थोड़ी सी छूट दें, व्यापार को और थोड़ा ईजी बनाएं, जैसे टैक्स कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन को ईजी बनाएं आप लोग। आप सपोज करो आपने टैक्स आप दे रहे हो कि इतने इस स्लैब पे इतने परसेंट, इस स्लैब पे इतने परसेंट, इस स्लैब पे इतने परसेंट, ये सब ना हो के यूनिफॉर्म टैक्स लगा दें भाई, आपका 5% 10% टैक्स लगा दिया, या फिर इतना सही से आप एक ही काम ही कर सकते हैं कि सपोज आप सब पेमेंट UPI से हो रहा है, तो आप UPI ट्रांजेक्शन पर टैक्स लगा दें, भले कि आप हर आइटम पर GST लगा लें, इस पर GST, उस पर GST, भाई कैश कम करके UPI पर आप ट्रांजेक्शन पर टैक्स लगा दें 1% 2%, तो ऑटोमेटिक कलेक्शन हो जाएगा आपका, थोड़ा ईजी रहेगा, हमें भी ईजी रहेगा, हमें भी नहीं करना कहता हर चीज़ का हम हिसाब करते हैं, हम उसको दिखाएंगे कि ये एक्सपेंसेस है, ये इनकम है, ये इस पर इतना परसेंट टैक्स डेप्रिसिएशन मिल रहा है, उतना डेप्रिसिएशन मिल रहा है, इसकी जगह आप सिंपल टैक्स बना दें कि साहब आपकी इतनी इनकम है, इतना टैक्स दे दो, आपके अकाउंट में इतने पैसे आए, इतना ट्रांजेक्शन हुआ, 2% आप टैक्स जमा कर दो, खत्म। तो कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आप 7 लाख की स्कीम ये कर दी आपने, फिर वो PPM में करोगे तो इतना छूट है, वो करोगे तो इतना छूट है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एक चीज़, ये है बस ये कि जो एक्सपोर्ट में छूट दें, जैसे पहले आप रिबेट देते थे एक्सपोर्ट में, पहले गवर्नमेंट अटल के टाइम में गवर्नमेंट जो रिबेट देती थी एक्सपोर्टर्स को, बहुत रिपोर्ट मिलता था, अब वो रिबेट सब खत्म हो गए, वो आप कराएं थोड़ा सा। GST में बताया ना मैंने, GST में आप ये ना करके कि सब 12% 18% एक नॉर्मल टैक्स लगा दें, 5% का, 3% का, 10% का, ताकि प्रोसेस ईजी हो जाए आपको, ये नहीं कि आपको बार बार वो सबमिट करना पड़ रहा है, फिर पेपर वर्क करना पड़ रहा है, दुनिया भर के काम आप कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ईजी सिंपल बने। केंद्र सरकार से यही हमारी अपील है कि ये जो बजट आ रहा है कि रेट प्रॉपर हो जाए, एक सामान्य रेट हो जाएंगे तो ऑर्डर हमें अच्छे मिल जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अब 980 रुपये कॉपर की शीट है, फिर जब हम ऑर्डर ले लेते हैं 980 रुपये में रॉ मटेरियल में, तो उसके बाद फिर सैंपल भेजते हैं हम, सैंपल हमने 980 रुपये का कोट करा है, फिर आने वाले टाइम में फिर 15 दिन में रेट बढ़ जाते हैं जब ऑर्डर कन्फर्म होता है, और मार्जिन 10-5% का रहता है हमारा, और फिर उसके बाद जब हम कस्टमर को बोलते हैं कि अब ये 10% तो रेट बढ़ गए हैं, आप रेट बढ़ाइए, तो वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। बस यही अपील है कि एक प्रॉपर तरीके से रेट अपने जो है फिक्स हो जाए, तो काम करने में थोड़ा मज़ा आए, अप डाउन जो हो रहे हैं उससे ऑर्डर हमें नहीं मिल पा रहा है।
क्वालिटी अच्छी नहीं है साहब इसका काम, बिल्कुल मतलब समझ लो कि कच्चा माल महंगा होता जा रहा है पीतल, और हमारी मजदूरी वहीं की वहीं है, मजदूरी बढ़ नहीं पा रही, सरकार की तरफ से भी कोई लाभ नहीं मिल पा रहा हमें। ऐसा है कि सरकार कोई इंडस्ट्रियल एरिया बनाते जहाँ पर काम की सुविधा हो, हम गली मोहल्लों में बैठ के काम कर रहे हैं, कोई भी सुविधा या कोई भी एक्सपोर्टर तो कह रहा है कि काम का मद्दा है, काम बिल्कुल एक पीतल प्रमोट नहीं हो पा रहा बिल्कुल। सरकार को ऐसा कदम उठाए कि जिससे पीतल विराज जो है देश विदेशों में बिकता है ये काम हमारा, सरकार इसके लिए कोई कदम उठाए कि देश विदेशों में प्रमोट करे हमारे काम को, हमारे काम को आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि ये आगे चल करके लुप्त होता जा रहा है बिल्कुल। बजट में यही चाहते हैं कि मिडिल क्लास लोग हैं या मजदूर लोग हैं उनके लिए कोई ना कोई सरकारी योजनाएं बनाए, हमें उन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, पीतल सस्ता होना चाहिए, बस यही चाहते हैं साहब हम। मोहम्मद इस्लाम। इस्लाम क्या काम करते हैं? ये नक्शे करते हैं पीतल के बर्तन पे। कब से कर रहे हैं? हो गए 50-55 साल। और आप बजट आने वाला है, क्या चाहते हो बजट में? यही चाहते हैं सर, सर के मतलब ये सस्ताई हो गए और मतलब ये रोजगार खुले, बस इससे का अलावा रोजगार मिले आदमी को। अच्छा, और पीतल में? पीतल में भी, पीतल भी सस्ती हो गई तो जब तो रोजगार बढ़ेगा, पीतल तो बहुत महंगा हो गया, हर आदमी बचने लगा कि भाई अल्मोनियम लाओ, लोहा लाओ, ये लाओ, वो लाओ, इससे काम कम हो गया पीतल का। यही तो चाहते हैं कि वो होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। सस्ता सस्ता हो गए तो रोजगार होगा, बाहर के वायर भी आएंगे, रोजगार देंगे। ये जो रोजगार बढ़े टैक्स तो मतलब ये सरकार ने मतलब ये बढ़ाई दिया इस पे। पीतल की छिलाई करते हैं मजबूरी। हैंडीक्राफ्ट का काम है। काम की बहुत खराब स्थिति है, हफ्ते में 2-3 दिन हो या 2-3 दिन कर लिया, बाकी खाली रहते हैं। अब क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए बजट? इस बजट में हर चीज पे सस्ताई होनी चाहिए, पीतल का माल है बहुत महंगा हो रहा है, ये कम सस्ता होगा तो कारोबार भी बढ़ेगा, जिसकी वजह कारोबार जो ठप है। अच्छा जी, तो क्या चाहते हैं कि सस्ता होना चाहिए? माल सस्ता होना चाहिए पीतल का, ताकि माल लोग वहाँ खरीदे, सस्ता होगा तो खरीदारी ज्यादा होगी, अब महंगा है तो खरीदारी कम है। तो क्या स्थिति है, मतलब काम की क्या स्थिति है? काम की स्थिति बहुत खराब है। आप क्या चाहते हैं? महंगाई की वजह से किस तरीके से पीतल पे महंगाई हो रही है? पीतल पे जो बाहर से माल आ रहा है उसको ज्यादा मतलब टैक्स लगा के, टैक्स जो लग रहा है वो कम होना चाहिए ताकि माल सस्ता हो। और पीतल के रेट भी लगातार पीतल जो हो रहा है ऊपर नीचे हो रहा है, तो लगातार एक जगह ठहरने चाहिए सर। किस तरीके की परेशानी आ रही है? किस तरीके पर है? तो ये बिजली की परेशानी है, बिजली के रेट बहुत हाई है, बहुत बिल आ रहा है, 5-5-6-7-7 हज़ार रुपये 10-10 हज़ार रुपये बिल आ रहा है घरेलू बिल। रो मटेरियल जो है ब्रास एल्युमिनियम बहुत महंगा हो रहा है। तो क्या चाहते हैं, बजट आने वाला है? बजट आने वाला, हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ने टैक्स बहुत लगा रखे हैं और इसके जो है रेट मुनासिब होने चाहिए। अब से करीब 5-7 साल पहले पीतल की सिल्ली जो है 200 रुपए थी और एल्युमिनियम की सिल्ली जो है वो 150 रुपए थी रो एल्युमिनियम, तो उसमें काम बढ़िया चलता था। अब तो काम की स्थिति ये है कि देखो हम किस कंडीशन में है, खाना कमाना बहुत भारी पड़ लिया है इस वक्त। हम ये चाहते हैं मोदी जी को ये चाहिए कि ये टैक्स घटा में, चाहे भले से हुकूमत यही चलाते रहे, हमें कोई वो नहीं है कि साहब दूसरा बैठे या कोई तीसरा बैठे। हम ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान की आवाम को जो है आसानी होनी चाहिए खाने कमाने में। तो अब टैक्स कितना देना पड़ता है आपको पीतल की सिल्ली जो है? बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है पीतल की टिल्ली सिल्ली पे, टैक्स जो गवर्नमेंट ने लगा रखा। अब हमें तो पता नहीं कितना टैक्स है कितना टैक्स नहीं, लेकिन जो पहले आपसे 5-7 साल पहले 300 रुपए थी, अब वो 550 रुपए है। अब ये काला बाजारी है या टैक्स है ये मोदी जी देखेंगे इसको। आप चाहते हैं कि इसके रेट एक होने चाहिए? इसको मोदी जी और योगी जी गंभीरता से ले, मैं थोड़ा सारा रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं, रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब ये पता नहीं ये करता कौन है रेट ऊपर नीचे।
और जो आप सामान यहाँ से तैयार करके देते हैं उस पर जीएसटी भी आपको देनी पड़ती है, उसकी भी दिक्कत होती है? उस पर कोई तो जीएसटी से माल लेता है, हमसे कोई नहीं लेता जीएसटी पे माल। वो कहता भाई हमें बगैर जीएसटी के चाहिए तो बगैर जीएसटी के देते हैं, कोई जीएसटी से मांगता जीएसटी लगा के देते हैं। टैक्स के लिए भी आपको दिक्कत होती है वो करने में? नहीं, टैक्स के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, हम जीएसटी उधर से लेते हैं तो इधर सबमिट कर देते हैं, जमा कर देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि काम बहुत पीछे जा रहा है इस चक्कर में, रेट की वजह से वो कर, कम रेट होना चाहिए तो काम अच्छा होगा, प्रोडक्ट अच्छे आएंगे विदेश से, बहादी विदेशी मुद्रा आएगी, डॉलर आएंगे, यूरो आएंगे, तो इसमें हिंदुस्तान गवर्नमेंट का फायदा होगा। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि साधारण आदमी को हेल्थ सर्विसेज अच्छी मुहैया कराया जाए, उनके लिए इस देश में 70% हेल्थ केयर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है और प्राइवेट सेक्टर को एक बड़ी ही सस्पिशियस नज़र से देखा जाता है कि सिर्फ पैसा कमाने में लगे हैं, लोगों को परेशान करने में लगे हुए हैं। ऐसा ज़्यादातर नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं, अच्छे मॉडल्स पे काम कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो साउथ इंडिया में हो, अच्छे मॉडल्स पे काम करते हैं। सरकार को उन मॉडल्स की तरफ देखना चाहिए और उनसे कुछ प्रेरणा लेके कम से कम उन हॉस्पिटलों को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को जो ठीक काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। इस बजट में उनको इंसेंटिव देने चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि वो छोटे छोटे सेंटर्स, छोटे अस्पताल अपने एरिया के रूरल एरियाज में खोलें, जो कि हमारी जो गांव की जनता है या रूरल एरियाज में जो जनता है उनको भी प्रॉपर और अच्छा मेडिकल केयर मिले, और टर्शरी केयर के लिए उनको बड़े अस्पताल में लाया जाए जिससे कि एग्जिस्टिंग जो बड़े अस्पताल हैं उन पे लोड भी कम हो और सर्विसेज इम्प्रूव हो, वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है लेकिन ये और बढ़नी चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग अपनी जेब से हेल्थ पे खर्चा करते हैं और कोई भी उसके लिए पहले से बजटिंग नहीं कर पाता है, तो बहुत ज़्यादा मुसीबत है लोगों के लिए। और इवन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास भी आजकल अच्छी हेल्थ सर्विसेज नहीं प्राप्त कर सकता। तीसरी चीज है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस बढ़ता है, उन्हें मेरे हिसाब से उनको और ओपन होना चाहिए, ज्यादा पेशेंट फ्रेंडली होना चाहिए और जितने भी अड़चने वगैरह लगती हैं वो सब धीरे धीरे हटनी चाहिए, तभी जाके आम जनता को अच्छी हेल्थ सर्विसेज मुहैया की जा सकती है। तीसरी चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास डॉक्टरों की कमी है, नर्सेस की कमी है, टेक्नीशियंस की कमी है, उस चीज को, उस मुद्दे को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर अपना नहीं डेवलप करेंगे तो सिर्फ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोल देने से कोई प्रॉब्लम नहीं हल होने वाली है, क्योंकि इन बड़े बड़े जितने भी इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं उसमें फैकल्टी है नहीं, पढ़ाने वाले हैं नहीं, डॉक्टर्स हैं नहीं, तो किस तरह के हम डॉक्टर्स प्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं, किस तरह की सर्विसेज हम देंगे। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और बाकी निजी तौर पर तो मैं चाहूंगा कि हमारा पर्सनल टैक्स जो है उसके रेट्स कुछ कम किए जाएं और हमें कुछ गुड न्यूज मिले इस बजट में। देखिए, लेदर इंडस्ट्री जो है स्मॉल स्केल के अंतर्गत आता है, लघु उद्योग के अंतर्गत आता है, और देखिए किसी भी परिवार की तरक्की, उस क्षेत्र की सड़क अच्छी बना दी जाए और पार्क अच्छी बना दिया जाए तो परिवार की तरक्की नहीं होती। इसी प्रकार इंडस्ट्रीज जो है, लेदर की इंडस्ट्रीज जो है, लेदर की इंडस्ट्रीज के लिए जो यहाँ की लघु उद्योग की जो समस्याएं हैं उसका निपटारा होना चाहिए, ठीक है ना। स्कीम बनाने से कोई चीज़ बढ़िया नहीं हो जाएगी। जो इनकी समस्याएं हैं लघु उद्योग की, लेदर इंडस्ट्रीज की, जिस इंडस्ट्रीज में हम लोग यहाँ खड़े हैं, तमाम समस्याएं हैं, ठीक है ना।
हाँ पोल्यूशन के नाम पे उत्पीड़न होता है लेना इंडस्ट्रीज वालों का, ठीक है ना। सरकार नहीं करती, जो बिचौलिए हैं, जो अधिकारी हैं, ठीक है ना, उन सब चीज़ों पे रोक लगना चाहिए। लेदर इंडस्ट्रीज तभी तरक्की, जब लेदर और किसी भी देश की तरक्की, किसी भी देश की तरक्की के लिए वो कोई भी कंट्री हो पूरे दुनिया की, कृषि हमारा देश जो भारत है ये कृषि उत्पादन देश है, कृषि देश भी है। तो जब यहाँ का किसान और लघु उद्योग मजबूत होगा, किसान मजबूत होगा तो देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और जब लघु उद्योग तेजी से तरक्की करेंगे तो इस देश की आर्थिक स्थिति, इस देश की जो आवाम है, जो यहाँ के लोग हैं, जो कारीगर, जब वो मजबूत होंगे तो अपने आप जो यहाँ की गरीबी खत्म होगी और लघु उद्योग तरक्की करेगा। इसलिए जो बजट आए सबसे पहले लघु उद्योग पे और कृषि किसानों के लिए दो लोगों को प्राथमिकता देना चाहिए, किसानों के हित की और स्मॉल स्केल लघु उद्योग, जितने लघु उद्योग हैं इनके लिए। इसमें लेदर इंडस्ट्रीज में, लेदर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जैसे आज की स्थिति ग्रोथ जो हमारी थी वो आज की डेट में 7-8% रह गई है, जहाँ पे 400 फैक्ट्रियाँ चलती थी आज मुश्किल से 50-60-70 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। और उन 70 फैक्ट्रियों के अंदर जो टेंडियाँ या जाजमऊ का इंडस्ट्रीज है, उन 70 फैक्ट्रियों के अंदर स्थिति है कि 15 दिन आप आधे लोग चलाओगे, 15 दिन आप आधे लोग चलाओगे, तो आप बताओ कैसे काम होगा। 15-15 दिन ही हो गया, 2-3 महीने की माघ मेला की बंदी, तो इंडस्ट्रीज कैसे चलेगी? कोई इंडस्ट्रीज वाला उसके खर्चे हैं क्या, वो अपने गेटमैन से बोलेगा कि 15 दिन काम करो 15 दिन तुम्हें सैलरी नहीं देंगे? वो बोलेंगे कि 12 महीने तुम काम करो 3 महीना तुम्हें सैलरी नहीं देंगे। जो ओवरहेड है, जो सैलरी, जो अकाउंटेंट उनसे बोलेंगे कि आप 3 महीने आपको सैलरी नहीं देंगे, ओवरहेड उतना ही है, प्रोडक्शन है नहीं। तो सरकार से हमारी ये मंशा है कि जो लघु उद्योग हैं, लेदर इंडस्ट्रीज को खास करके, और जो भी लघु उद्योग हैं उनके लिए अच्छी बजट लाए, उनके लिए तमाम की जिस तरह से लघु उद्योग तेजी से उन्नति करे, हाँ तेजी से बढ़े, और उनकी जो समस्याएं, मूलभूत समस्याओं का निदान करे सरकार, यही हम उनसे उम्मीद करते हैं। सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट से चाहेंगे कि हमारी इंडस्ट्री सुचारू रूप से चलती रहे। जिस तरीके से अभी नया पोल्यूशन प्लांट बना और हम लोगों को ये उम्मीद जगी कि शायद लगातार हमारी फैक्ट्रियां चलेंगी, लेकिन आज भी स्थिति पुरानी ही है। 15-15 दिन रोस्टिंग में टहनरियाँ चल रही हैं जिससे कि प्रोडक्शन सफ़र कर रहा है, और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक्सपोर्ट का आर्डर नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे एक्सपोर्टर्स को मालूम है कि यहाँ पे फैक्ट्री कब चलेगी कब नहीं चलेगी, इसलिए जो भी लंबा आर्डर होता है वो यहाँ की इंडस्ट्री को नहीं दे रहे हैं, और दिन प्रतिदिन स्थिति टहनरीज की ख़राब होती जा रही है और टहनरियाँ बंद होने के कगार पर हैं। कुछ टहनरियाँ बंद भी हो रही हैं और इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, लेबर खाली हो रही है, टेक्नीसियन और सुपरवाइजर सभी लोगों की नौकरी पे बंद पड़ी है इस समय। तो हम उम्मीद यही करेंगे गवर्नमेंट से कि वो सुचारू रूप से चलवाने का प्रयास करे, और 300 दिन सारी फैक्ट्रियां फुल फ्लेश चलेंगी तो इंडस्ट्री भी आगे बढ़ेगी, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है और इस इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा है। सरकार से ये चाहते हैं कि हम लोगों के लिए, पहले तो हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ख़राब है, उस पर काम हो रहा है लेकिन बहुत स्लो हो रहा है। हमको इस सरकार से बहुत उम्मीद थी कि ये हमारे लिए करेंगे और कर भी रहे हैं, लेकिन स्पीड बहुत स्लो है। जैसे सड़कें ख़राब हैं, वो हैं, बाहर के जो हमारे बायर्स आते हैं, ये वो आते हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है। एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरा ये जो हम लोगों का 15 दिन की रोस्टिंग इन्होंने कर रखी है, इसका सोल्यूशन चल रहा है, ऑन पेपर चल रहा है कि काम हो रहा है लेकिन वेरी स्लो, बहुत स्लो जा रहा है। हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि पहले तो इसको सही कराएं। तीसरी हमारी एक ये गुजारिश थी कि सरकार खास करके जो मझोले उद्योग हैं, छोटे हैं, उनको कुछ इस तरह का पैकेज बना के दे कि हम लोगों को ऑक्सीजन मिले। हमारे पास कस्टमर्स आ रहे हैं, हमसे टच कर रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से वो निकल जा रहा है, बांग्लादेश चला जा रहा है काम। छोटे कस्टमर्स जो हमारा एक्सपोर्ट होता है वो हमसे टच में आ रहे हैं, वो हमसे इंक्वायरी भी करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ये छोटी वजहों से वो काम नहीं मिल पा रहा है हमको। एक तो रोस्टिंग कि हम टाइमली उनको प्रोडक्शन दे नहीं पाते हैं, हमने उनसे कमिटमेंट किया कि हमको फरवरी में देना है, वो होते होते अप्रैल हो जाता है, तो एक बार तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया, फिर आगे से फिर वो हमसे कटना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए सरकार अपने लेवल पर काम कर रही है, लेकिन वो चीज़ें हम लोगों तक प्रॉपर पहुँच नहीं पा रही है। और चूँकि ये सरकार बैठी है, जैसे खासकर हमारी यूपी सरकार है या योगी जी हैं, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट मैन, कर रहे हैं वो, सब कुछ है, लेकिन
कहीं कुछ ऐसा है कि वो चीजें हम लोग के पास प्रॉपर सही नहीं पहुंच पा रहा है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कुछ इस तरह का हो कि हम लोग को एक पैकेज दें इस तरह के कि हमको एक ऑक्सीजन मिल जाए कि हमारा काम जो है सुचारू रूप से आगे बढ़ता रहे। सरकार से ये चाहते हैं जो बड़े बड़े ये पैनल्स पे डिजिटल इंडिया और ये सब बना रहे वो बिल्कुल ठीक है, हमें फायदा मिल रहा है उसका, लेकिन मूलभूत ठीक है ना, हमारा सेल तो बढ़ रहा है, डिजिटल इंडिया बना रहे हो, प्लेटफॉर्म बना रहे हो, हमारे पास बायर आ रहा है, डायरेक्ट बायर मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, हमारा कनेक्टिविटी बहुत अच्छा हो गया हर देशों से, ठीक है ना, बहुत सारे पोर्टल्स बना दिए आपने, बहुत सारे आपने सहूलियत बना, CLE बना दिए, बहुत सारे इवेंट्स करा रहे हैं हर जगह, वो मैदान में जो है फेयर लग रहे हैं, बायर्स ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन ऑर्डर लेके हम करेंगे जब काम ही नहीं कर पाएंगे तो बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं पहले वो सुधारनी पड़ेंगी कि अब जैसे रोस्टर की बंदी है तो उसको तैयार उसको टाइम से पूरा किया जाए। देखिए हर बजट पर पर्यटन उद्यमी हमेशा ही कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, पर आज तक जितने बजट आए हैं पर्यटन उद्योग को कभी कुछ मिला नहीं है। इस बार हम एक्सपेक्ट करते हैं कि GST की दर जो 2500 रुपये तक है उसको एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए और 2500 रुपये के ऊपर के कमरे के ऊपर GST लगाया जाना चाहिए। दूसरी हमारी जो मांग है कि इनकम टैक्स की स्लैब जो है वो 7.5 लाख रुपये से ऊपर की जानी चाहिए। तीसरा हम बहुत समय से ये मांग करते चले आए हैं कि भारत सरकार हर सिटी के अंदर एक प्राधिकरण बोर्ड का निर्माण करे, जो भी योजनाएं आती हैं भारत सरकार के द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उन योजनाओं को प्राधिकरण के माध्यम से ही लागू किया जाए, क्योंकि होता क्या है कि जब एक सरकार आई दूसरी चली गई, दूसरी आई फिर चली गई, तो वो योजनाएं जो हैं वो ठप हो जाती हैं। जब प्राधिकरण बोर्ड का निर्माण हो जाएगा उन प्राधिकरण बोर्ड के निर्माण से ये योजनाएं जो हैं फ्लॉप नहीं होंगी, चलेंगी, और इसके अंदर एक IAS ऑफिसर होना चाहिए जो इसकी देखरेख करे और बाकी जो पर्यटन उद्यमी हैं उनका सबका इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि जिससे इन योजनाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जा सके। बजट में हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जो GST लगाए हुए है वो कम से कम 2500 रुपये से ऊपर के रूम पे लगे उसमें लगनी नहीं चाहिए नीचे वालों में, और तमाम सुविधाएं हमको मिलनी चाहिए वो कुछ नहीं मिल रही हैं। कभी भी गवर्नमेंट ने हमको कोई सुविधाएं नहीं दी हैं, जैसे पेट्रोल डीजल का वो GST हटा दिया जाए जिससे आम पब्लिक अपनी व्हीकल से भी आ जा सकेगा, और भी कई ऐसी बात है जैसे एक बोर्ड का गठन कर लिया जाए उसमें सबको बुला के वो उनसे पूछताछ करके काम कराया जाए। देखिए आगरा बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है और यहाँ बहुत लोग पर्यटक के हिसाब से आते हैं और पर्यटक अच्छा होना चाहिए, मतलब बजट हमारा अच्छा होना चाहिए, सबके उसमें होना चाहिए, है ना। तो मैं सोचता हूँ ये हमारे हिसाब से सबके हिसाब से अच्छा बजट आए और हम उम्मीद करते हैं बाकी सब ठीक। मेरा नाम राजेश अग्रवाल है और मैं आगरा के पारंपरिक प्राचीन पेठा उद्योग से अध्यक्ष शहीद भगत सिंह पेठा एसोसिएशन हूँ। ये बजट आने वाला है, पेठा व्यवसाय की बात की जाए तो हम वैसे कम भी दे रहे हैं लोगों को। भैया हम तो ये चाहते हैं कि जो भारतीय पेठा उद्योग है जो अपनी एक पहचान रखता है और आगरा से विशेष इसका नाता है और पेठा और ताजमहल आज एक दूसरे के पूरक है, तो पेठा जो व्यवसाय है ये विश्व धरोहर है ये भी एक तरह की, क्योंकि ये भारतीय मिठाई होने का भी दावा रखता है और ये कुष्मांडा फल से बनता है जिसको हिंदी में पेठा बोलते हैं और इसकी अपनी एक बहुत पहचान रही है। हजारों साल तक केवल इसको आयुर्वेदिक औषधि के रूप में जाना जाता था और हमारे इसको धार्मिक अनुष्ठान में भी इसका बहुत महत्व है, तो इसकी एक बहुत विशेषता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस बजट में इसको कर मुक्त कर दिया जाए क्योंकि ये भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ है और एग्रीकल्चर किसानों से जुड़ा हुआ है, गरीबों से जुड़ा हुआ है, मजदूरों से जुड़ा हुआ है और दुनिया की सबसे सस्ती मिठाई होने का भी के साथ साथ ये बहुत ही एनर्जिक और पौष्टिक आहार जो गरीबों के लिए होता है ये उसमें भी हमारे लिए बहुत कारगर रहता है, तो इसलिए इसकी एक विशेष महत्व है और इसके व्यापार को सरकारों के द्वारा प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि ये हमारा जो इंडियन ट्रेडिशनल स्वीट्स जिसको हम पेठा बोलते हैं, हम ये चाहते हैं कि सरकार के हस्तक्षेप से ये पूरे विश्व पटल पर इसकी ख्याति प्राप्त होनी चाहिए। वैसे तो हमारा पेठा व्यवसाय खूब फल फूल रहा था मगर आगरा में TDZ आने के कारण ये
कहीं ना कहीं ये डिस्टर्ब हो गया है और यहाँ से धीरे धीरे ये जो हमारे पेठे के कारखाने हैं ये पलायन कर रहे हैं, क्योंकि अब TDZ लागू होने से कोयला बंद हो गया और सब्सिडी की गैस हमें नहीं मिली है। हालांकि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से व्यवसायों को आगरे के विस्थापित करने के लिए सब्सिडी की गैस मुहैया कराने के आदेश दिए थे, मगर पेठा उद्योग को अभी तक सब्सिडी की गैस नहीं मिली है। सरकार से मेरी गुजारिश है कि इसको सब्सिडी की गैस जब अन्य उद्योगों को मिल रही है तो पेठा उद्योगों को भी सब्सिडी की गैस मिलनी चाहिए, जिससे कि इसके व्यापार में चार चांद से लग सके। ये पेठा जो है कच्चे फल से बनता है और ये आयुर्वेदिक के रूप में होता है, औषधि के रूप में भी लिया जाता था पहले, अब ये बहुत मिठाई के रूप में ली जाए पेठे को, जो शुद्ध है, कोई मिलावट नहीं है, गरीब मध्यम वर्गी को भी खरीद सकता है इस पेठे को। सरकार को चाहिए कि इसके कर मुक्त किया जाए, जिससे कि मध्यम वर्ग के जो लेने वाले हैं उनको बेनिफिट मिले और ये गैस है, गैस में भी सब्सिडी में छूट दी जाए। और मैं तो ये चाहूँगा कि इनको करे, यहाँ से जितनी पलायन हो गई हैं इसी कारण हो गई, दोबारा से बसे पेठा उद्योग आगे बढ़े, जिससे भारत सरकार को भी लाभ। भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि पेठा एक देखिए गरीबों की मिठाई है और इसको किसान बड़ा उससे उगाता है, और भाई औरों के लिए तो खैर जो रही अमीर लोग होते हैं उनके लिए तो सब बहुत मिठाइयाँ आई है, लेकिन ये गरीबों की मिठाई है। इस पे तो मैं ये चाहता हूँ कि ये GST वगैरह जो भी है इस पे बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए और ये आम आदमी की पकड़ में आना चाहिए। भाई एक ऐसी मिठाई है जो शुद्ध बनती है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती, कुछ नहीं होती, ये आम आदमी तक इसकी पहुँच, इससे बहुत लोग जुड़े, किसान इससे बहुत उम्मीद करता है, क्योंकि किसान उगाता है उसको उसके बराबर उसका दाम वगैरह नहीं मिलता, क्योंकि इस पर ड्यूटी वगैरह होती है, फिर उसकी बनाने में इतनी लागत आती है, तो इसको एक और इस पर एक सब्सिडी देनी चाहिए गवर्नमेंट को, जिससे किसी भी प्रकार की मतलब आराम से आदमी की पकड़ में जी आ सके। नया नया चीज जो यहाँ पे रिसर्च हो, ऐसी चीज हम यहाँ चाहते हैं, इसके लिए हम रोज डिमांड करते हैं, टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के लिए रोज डिमांड करते हैं, लेकिन अभी तक आज 8 साल व्यतीत हो गए हैं, लेकिन इस बारे में कोई भी सुनवाई हमारी नहीं हुई है, जिसका हमको बहुत बड़ा खेद है। लेकिन इस बार हमको लग रहा है कि मोदी सरकार 3 वर्जन के अंदर हमारी इस डिमांड को पूरा किया जाएगा, क्योंकि सूरत मंडी लाखों लोगों को रोजगार दे रही है, तो हमको लग रहा है हमारी सरकार जो है हमारी डिमांड को सुनेगी और ये टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो मांग हमारी है वो यहाँ पे पूरी होगी। देखिए ऐसा है कि टेक्सटाइल मार्केट में इस समय जो है यार्न के बहुत तेजी से भाव बढ़ रहे हैं, इसके पीछे कारण ये है कि जो माल इंडिया में नहीं बन रहा है और चाइना से इम्पोर्ट हो रहा था, वो माल चाइना से BSI की वजह से और अन्य सरकारी नियंत्रणों की वजह से बिल्कुल इम्पोर्ट बंद हो गया है। जो इंडिया में बन ही नहीं रहा है वो यार्न, उसको वो इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा। सरकार ने इतना कड़ा नियंत्रण कर दिया है उस यार्न पे, जिसकी वजह से यहाँ काफी लूम बंद है, काफी लोग बेरोजगार हो गए उसकी वजह से। तो हमारी पहली सरकार से ये मांग है कि सरकार ने जो BSI का यार्न पे जो नियंत्रण लगाया है उसको शीघ्र हटा करके और पूर्व की तरह उसको मुक्त व्यापार में कन्वर्ट कर दे। और दूसरी मांग हमारी यह है कि सरकार ने जो ठप योजना जो है सब्सिडी की जो ठप योजना थी वो 22 में बंद कर दी थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ आधुनिक मशीनें लगना बंद हो गई, तो जल्दी से जल्दी उस योजना को सरकार लागू करेगी तो काफी मशीनरी आयात होगी, लगेगी, नया इन्वेस्टमेंट आएगा, इससे भारत सरकार का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और कपड़ा मंडी का विकास होगा, कपड़ा इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत तेजी से विकास होगा। तो हमारी ये 2 मांगे हैं, इस बजट में सरकार पूर्ण करे, ऐसी मैं सरकार से अपील करता हूँ, आशा करता हूँ। मेरा नाम प्रेम भाटिया है, मेरी टेक्सटाइल मार्केट में दुकान है। मेरी सरकार से ये प्रार्थना है कि जैसे बहुत महंगाई बढ़ गई है उसके बारे में थोड़ा सा विचार किया जाए, क्योंकि लेबर जो है वो इतनी आगे बढ़ गई है कि हम कपड़े के हिसाब से हम उनको पे कर नहीं सकते, और MES के लगने से व्यापार बिल्कुल खत्म हो गया, बाहर से व्यापारी नहीं आ रहा तो सेल नहीं हो रही, सेल ना होने की वजह से सरकार से रिक्वेस्ट ये है कि उसके बारे में जरा छोटे व्यापारियों को बताया जाए कि MES क्या है क्या नहीं है, और अगर जब से ये MES लगे उस टाइम से ये व्यापार बिल्कुल कम हो गया है। अभी का जो माहौल बता रहा हूँ, 30 सालों से जो मैं देख रहा हूँ, जब से जनवरी से ये MSME एक्ट आया है,
एमएसएमई एक्ट गवर्नमेंट ने अच्छे के लिए लगाया कि एमएसएमई को फायदा हो, लेकिन ये क्या मालूम क्या एक्ट में ऐसा है जो जो छोटे व्यापारी है उनको फायदे के बदले उनको नुकसान हो रहा है। एक्चुअली में व्यापार जो है सब बड़े हाथों में चला गया है, क्योंकि जो एमएसएमई का एक्ट है उसमें से लार्ज और मीडियम एंटरप्राइज को बाहर निकाल दिया है। व्यापार कोई भी व्यापारी आता है वो छोटे व्यापारी से माल लेना पसंद ही नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर वो छोटे व्यापारी से माल लेता है तो उनको 45 डेज में पेमेंट देनी है। अगर वो 45 डेज में पेमेंट नहीं देता है तो वो पैसा उनकी इनकम में ऐड हो जाएगा। ऐसा प्रावधान है जो 43BH है, जो इसमें डिसअलाउंस किया गया है कोई भी पेमेंट जो 45 डेज के ऊपर है। ये एक्चुअली में एकदम इलॉजिकल लॉ है और एकदम इलीगल लॉ है कि भाई आपको अगर पैसा चुकाना है और वो अगर चुका नहीं पा रहे हो उसके ऊपर आपके ऊपर और टैक्स लिया जाएगा। ये तो कोई लॉ ही सही गलत है। तो मैं सरकार सी से कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर ध्यान दे और 43BH जो एमएसएमई एक्ट में लगाया है उसको नाबूद करे या उसके ऊपर संशोधन करे। अच्छा, दूसरी बात कि गवर्नमेंट बोलती है कि हमको टैक्स स्लैब को सिंप्लीफाई करना चाहिए। गवर्नमेंट ने इतने सारे कानून बना दिए, इतने सारे, ऐसा लगता है कि व्यापारी को तो एक बुकलेट लेके बैठना पड़ेगा, हर कानून के लिए उनको स्टडी करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कानून तो लगाती है लेकिन उनके साथ पब्लिक को भी अवेयर करना चाहिए कि ये कानून क्या है क्या नहीं, और खाली ऐसे ही कानून लगाने से काम नहीं चलेगा। जब तक पब्लिक को पता नहीं चलेगा तो फिर और मिसयूज ना हो इसके लिए लोगों को सब ज्ञान देना पड़ेगा। हमने बहुत सी बार इस एमएसएमई एक्ट के बारे में जो सीपीसी है बैंगलोर उनसे भी बात की, तो वो बोल रहे हमको इसके बारे में कोई मालूम नहीं है। जब गवर्नमेंट को ही कोई मालूम नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ही कोई मालूम नहीं है, तो व्यापारी ये सब कैसे सहन कर पाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।